मेहरबान कदरदान, अगर आप भी हैं बहुजन समाज पार्टी के सच्चे फैन और कार्यकर्ता तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हो। दरअसल आपको चलो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले आपको जो है जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव हुए, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सीटें अपने नाम करते हुए सपा और बीजेपी को धूल चटा दिए। जी हाँ, आपको बताया चले तो उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर आई, जहां पर विधानसभा उपचुनाव से पहले हुए जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डिंपल गौतम कटेरी प्रथम से जीत हासिल कर लिए। आपको चले बहुजन समाज पार्टी यहां पर 5599 वोट प्राप्त करने में हासिल हुई है। वहीं आपको बताया चले तो वहीं पर आपको बताया चले तो बांदा के बेबरू जो सीट है वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 1400 के लगभग वोटों से हरा दिया है। तो यह उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। कहते हैं कि अगर आपको कुछ बड़ी सफलता पानी है तो फिर छोटे छोटे जो चुनौतियां और परीक्षाएं होती है उनको आप पास से कर लीजिए तो बड़ी सफलता आसानी से मिल सकती है। अगर बहुजन समाज पार्टी यहां पर हुए जिला पंचायत उपचुनाव में पंचायत सदस्य उपचुनाव में यहां पर बड़ी सीटें हासिल कर पाई, आपको जो अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा में आपको जो बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी जीत हासिल के लिए और बांदा के बेबरू जो सीट है वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल कर लिया। बहुजन समाज पार्टी के नेता और आपको चले तो रवि गौतम की पत्नी ने यहां पर अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा में जो जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव हुए वहां पर अपनी जीत दर्ज कर लिए और यह बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर है। उन्होंने भाजपा का आपको वहां पर जमानत जब्त कर दिया, बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 5599 वोट प्राप्त हुए। तो वही आपको चले तो यहां पर बीजेपी को तकरीबन 250 के आसपास वोट ही प्राप्त हुए, यानी बहुजन समाज पार्टी अब आपको आम जनता के बीच में वापिस नजर आने लगी। मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए।